भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के 2 जिलों में बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया, साथ ही 6 जिलों में जिला कार्यालयों का शिलान्यास किया। नड्डा ने दिल्ली से वर्चुअली ये शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के राजसमंद और भीलवाड़ा में बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर और अलवर में बीजेपी के जिला कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यक्रम दिल्ली से वर्चुअली हुआ। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यालय संस्कार केंद्र होते हैं। जो पार्टी कार्यालय से चलती है वो आगे बढ़ती है, वहीं जो पार्टी घर से चलती है वो एक परिवार की होकर रह जाती है। प्रदेशों की सरकारें बनी, उन्होंने भी अंत्योदय का काम किया। फिर मोदी जी ने इसको और एक नया रूप दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबका साथ यानी समाज के सभी वर्गों का एक साथ बढ़ना चाहिए, उनका विश्वास लेना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको सशक्तिकरण करो और मुख्य धारा में शामिल करो। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी को कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों की ई बुक तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हम इन ई बुक को UN की 9 भाषाओं में जारी करेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि कोरोना काल में भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देश ने काम किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सुनते भी थे और खुद प्रत्यक्ष महसूस किया है कि कभी किराए के भवन में, कभी धर्मशालाओं में, कभी टेंट में, तो जनसंघ में तो विकट संघर्ष था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग एक दशक से पहले ऐसी दशा थी, बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर भी सहूलियत नहीं थी, स्थान नहीं थे। लेकिन अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी को एक नया सोच दिया कि पार्टी के लिए उसका व्यवस्थित कार्यालय ये उसको ताकत देता है, विचार के प्रसार में भी उसका योगदान होता है। अब ये नया समय, नया युग है, IT का युग है और सब तरीके के संसाधन उसमें चाहिए, तो हम लोगों ने इन कार्यालयों के निर्माण में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि आने वाले भविष्य में अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, अतिथियों के आने की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, पार्टी के अध्यक्ष का और मोर्चों के व्यवस्थित कार्यालय, तो भीलवाड़ा, राजसमंद ये 2 जिलों के बनकर तैयार हुए हैं, 6 जिलों के शिलान्यास हुए हैं, 13 भी निर्माणाधीन है। तो मुझे लगता है कि अगली विजयादशमी तक एक अच्छी तादाद में राजस्थान में कार्यालय निर्माण होकर तैयार हो सकेंगे। दरअसल बीजेपी राजस्थान के कई जिलों में कार्यालय बनवा रही है, जिनमें से 50% कार्यालयों का काम पूरा हो चुका है। बीजेपी के ये सभी जिला कार्यालय राजस्थानी थीम पर बनेंगे। इनमें पार्किंग, मीटिंग हॉल सहित सभी सुविधाएं होंगी, जिससे पार्टी की गतिविधियों का सही ढंग से संचालन हो पाएगा। बीजेपी जिला कार्यालयों के उद्घाटन शिलान्यास के इस वर्चुअल कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी नेतृत्व के काम की सराहना की, वहीं कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।